हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो अग्निपथ के मैथ सिलेबस में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक होता है क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग को कई पार्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग को पढ़ना है एंगल। तो त्रिकोणमिति के भी हम लोग पूरा कंसेप्ट और थ्योरम देखेंगे, इसके साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी साथ में हम लोग देखेंगे। अगर पूरा इसका थ्योरम और कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए तो इस यहाँ पे क्या ना जो ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें वो हम लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सिंपल से। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंगल। एंगल होता क्या ना, एंगल ट्रायगोनोमेट्रिक में हम लोग तीन टाइप से पढ़ते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिक में एंगल कितना, एक होता है डिग्री सिस्टम जिसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे इसको षट्दशांशक पद्धति। क्या बोलते हैं, षट्दशांशक पद्धति या अंश पद्धति बोला जाता है। क्या, अंश पद्धति, ये आता है षट्दशांशक पद्धति या अंश पद्धति हिंदी में इसको बोलते हैं। किसको, सेक्साजेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम को। यहाँ पे दूसरा टाइप आता है सेंटेसिमल सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, इसको बोलते हैं शतांशक पद्धति। क्या बोलते हैं, शतांशक पद्धति बोलिए या ग्रेड पद्धति, ये होता है दूसरा टाइप का ग्रेड पद्धति। थर्ड में सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति या रेडियन पद्धति। क्या इसको बोलते हैं, रेडियन पद्धति। ये आपका तीन टाइप से हम लोग कोण को मेजर करते हैं। तो ये सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसको डिग्री सिस्टम बोलते हैं, डिग्री सिस्टम होता क्या, डिग्री सिस्टम हम लोग बोलेंगे एक समकोण बराबर होता है क्या ना 90 डिग्री। क्या, डिग्री सिस्टम में एक समकोण बराबर क्या बोला गया, 90 डिग्री। तो एक डिग्री को इस तरह से डिनोट करेंगे तो एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे क्या ना एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 मिनट। और एक मिनट को डिनोट करते एक डैश देते मतलब मिनट, तो एक मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड ए होता है। तो अगर हमें डिग्री में मेजर करनी होती है तो एक समकोण बराबर कितना डिग्री मेजर करते, 90 डिग्री मेजर करते हैं, और एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। सेकेंड को डबल डैश से, मिनट को वन डैश से, और ये हो गया। अब आ जाइए ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम में हम लोग एक समकोण बराबर बोलते हैं 100 ग्रेड। ग्रेड को हम लोग पावर में क्या ना स्मॉल जी दे देंगे तो एक समकोण बराबर कितना 100 ग्रेड होता है। तो एक ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट। एक ग्रेड बराबर कितना 100 मिनट, और एक मिनट बराबर हम लोग बोलते हैं 100 सेकेंड। ये हो गया, ये मेजर करते हैं डिग्री में और ये मेजर करते हैं ग्रेड में। उसी समकोण को क्या ना 90 डिग्री बोलते हैं, उसी समकोण को क्या 100 ग्रेड बोलते हैं। अब आ जाइए सर्कुलर सिस्टम जिसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम थोड़ा समझेंगे। रेडियन सिस्टम क्या ना, एक सर्कल है और यहाँ पे एक क्या ना ओरिजिन ले लिए, सेंटर ले लिए, और यहाँ से यहाँ क्या ना एक रेडियस खींच दिए। अगर रेडियस के इक्वल एक चाप को काट लें, रेडियस के इक्वल एक आर्क काट लेते हैं, जितना रेडियस है उतना ही एक आर्क काट लेते हैं रेडियस के बराबर। तो ये जो आर्क काटने से जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बना है यही एंगल क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। क्या, रेडियन को डिनोट करते 1 पर पावर क्या से, सी से। अगर रेडियस के इक्वल चाप काटते हैं और चाप काटने से जो एंगल बनता है वही एंगल क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। और यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे दो समकोण बराबर होता है पाई रेडियन। क्या से,
पाई रेडियन बोलते हैं, दो समकोण बराबर पाई रेडियन। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो एक समकोण बराबर एक 100 ग्रेड, तो एक समकोण बराबर कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पे एक नोट में लिख लो इस तरीके से, क्या ना 90 डिग्री बराबर कितना होता है 100 ग्रेड होता है। नहीं वो कैसे, एक समकोण बराबर 90 डिग्री और एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। तो एक समकोण 90 डिग्री 100 ग्रेड, तो 90 डिग्री बराबर कितना होता है 100 ग्रेड। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे जीरो यहाँ कट जाएगा, तो 9 = 10 ग्रेड भी बोल सकते हैं। 9 डिग्री बराबर कितना 10, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर 9 डिग्री बराबर कितना 10 ग्रेड। तो 1 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं 10/9 ग्रेड, ए भी लिख सकते हैं, या ग्रेड को इधर भेज दो, तो 9/10 और ये क्या ना डिग्री कितना 1 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर, 1 ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा 9/10 डिग्री। ए तरीके से अब यहाँ देखो दो समकोण, तो दो समकोण बराबर कितना होता है पाई रेडियन होता है। तो यहाँ पे दो, तो एक समकोण बराबर कितना 90 डिग्री, तो यहाँ 90 रख दो तो क्या आ जाएगा ना पाई, तो क्या आ जाएगा 180, 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन होता है। तो 180 डिग्री बराबर कितना पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना पाई बटा 180 हो जाएगा। नहीं 1 डिग्री बराबर कितना पाई बटा 180 रेडियन। इसी प्रकार से अगर इसको इधर ले जाएं तो क्या ना लिख सकते हैं 180 बटा में पाई बराबर में 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा पाई, और 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा 180। ये हो गया, अगर यहाँ पे ध्यान दे क्या ना एक डिग्री के जगह पर क्या रख दे ग्रेड रख दे, तो 2 × 1 समकोण बराबर कितना ग्रेड 100 ग्रेड, तो 100 ग्रेड रख दे और ये क्या हो गया पाई, तो कितना मिल जाएगा 200 ग्रेड, 200 ग्रेड बराबर कितना होता है पाई रेडियन होता है, 200 ग्रेड बराबर कितना पाई रेडियन। तो 1 ग्रेड बराबर क्या बोल सकते, 1 ग्रेड बराबर बोल सकते पाई वटा 200 ग्रेड बोल सकते हैं, 200 रेडियन, 1 ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा 200 रेडियन। हाँ तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि त्रिकोणमिति में एंगल को कितने तरीके से मेजर करते, 3 तरीके से मेजर करते। ये पॉइंट याद रखनी पड़ेगी हम लोग को, एक क्या में डिग्री में, दूसरा ग्रेड में, तीसरा क्या में रेडियन में। तो डिग्री में क्या होता ना कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री और 1 मिनट बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसमें क्या एक समकोण बराबर क्या 100 ग्रेड और 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। एक नोट में हम लोग क्या देखें कि 90 डिग्री बराबर कितना ग्रेड होता है 100 ग्रेड, ये पूछ दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में इस तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे, या 90 डिग्री बराबर 9 डिग्री बराबर कितना 10 ग्रेड हो जाएगा, और 1 डिग्री बराबर इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या देखें कि दो समकोण बराबर कितना होता है पाई रेडियन होता है। तो यहाँ पे एक समकोण रख दिए तो 180 बराबर क्या हो जाएगा पाई, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर क्या 180/पाई। और यहाँ पे 200 ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा पाई रेडियन, और 1 ग्रेड बराबर पाई वटा 200 ग्रेडियन। तो ये हम लोग समझ गए क्या ना डिग्री, ग्रेड और रेडियन। अब इस पे थोड़ा एग्जांपल हम लोग देखते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे, एक डिग्री, एक क्या ना यहाँ पे रेडियन, एक रेडियन बराबर क्या होता है ना 180/पाई होता है, और 180/पाई को जब हम लोग यहाँ पे क्या ना डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड आ जाएगा, क्या ना ये आ जाएगा। इतना याद रखेंगे कि एक रेडियन बराबर कितना होता है 57, यहाँ पे 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। और अब पूछा जाए कि एक रेडियन बराबर कितना ग्रेड बताओ, एक रेडियन कितना ग्रेड, तो अभी हम लोग देखे एक रेडियन बराबर 200/पाई ग्रेड होगा, रेडियन होगा, और इसको हम लोग को यहाँ पे कह दे एक रेडियन बराबर कितना ग्रेड है, इतना ग्रेड होगा 200/पाई ग्रेड। और अब इसको यहाँ पे देखो, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 60 ग्रेड, कितना आएगा 60 ग्रेड
सॉरी यहाँ पे 60 नहीं आएगा, 63 63 ग्रेड 66 मिनट और 20 सेकेंड ए आ जाएगा। कब? जब आपका एक रेडियन पूछेगा तब। तो इतना हम लोग को याद रखना पड़ेगा, एक रेडियन बराबर कितना 63 ग्रेड 66 मिनट 20 सेकेंड। और यहाँ पे एक रेडियन बराबर बोल दे 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, ए हो गया। अब देखते इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा ना कि 30 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा सो बताओ। तो 30 डिग्री का मान रेडियन में अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री और इसको कहा जा रहा है रेडियन में बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो क्या हम लोग बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? एस बता सकते हैं। अगर डिग्री को रेडियन में पूछ रहा है तो क्या ना लिख सकते हैं ऐसे 30 डिग्री × 1 डिग्री एस और 30 डिग्री, तो हम लोग को रेडियन में बताने तो 1 डिग्री में क्या बताया गया अभी भाई भी पाई बटा 180, ये हम लोग अभी समझे फॉर्मूला में 1 डिग्री बराबर कितना होता है पाई बटा 180, तो एक कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, पाई बाई 6, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। अगर इसी में कह दे 45 डिग्री को बताओ रेडियन, तो 45 डिग्री का रेडियन कहेगा तो 45 × क्या कर दो पाई बटा 180 से गुना कर दो। देखो ना 30 × कितना से गुना के पाई बटा 180, तो इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा 4, तो पाई बटा क्या आ गया 4, तो 45 डिग्री का रेडियन क्या हो जाएगा पाई बाय 4। अगर हमें यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया और कह दिया इसका रेडियन बताओ, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं 60 का रेडियन बतानी है तो 60 में कितना गुना कर दो पाई बटा 180, तो इसको कट कर दो तो क्या आ जाएगा 3, तो पाई बाई 3 ए हो जाएगा रेडियन। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री से रेडियन फाइंड कर सकते। जैसे इसी में एक और दे दिया 150 डिग्री दे दिया और इसका कह दिया रेडियन में बदलो जी, तो इसका रेडियन में बदलना है तो 150 में क्या से मल्टीप्लीकेशन कर दो पाई बटा 180 से, तो 0 0 क्या हो गया कट गया और ये क्या बच गया 15 पाई बटा में 18 और कट रहा है, तो ये ये क्या ना हो जाएगा 5 × 15 तो ये 5 हो जाएगा 6 × 18 तो क्या आ गया 5 π/6 ए हो गया रेडियन। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कह लेते क्या ना डिग्री से रेडियन फाइंड किया जा सकता है। अब ध्यान दो इसमें, तो इसी में क्वेश्चन इस तरीके से रह गया, यहाँ पे रह गया 2 डिग्री 30 मिनट, हाँ 2 डिग्री 30 मिनट और इसको कह दिया रेडियन में बदलो, तो 2 डिग्री 30 मिनट और रेडियन बदलना है तो क्या करो ना पहले 2 डिग्री + इस मिनट को ना रेडियन में डिग्री में बदलना पड़ेगा, तो 30 मिनट, तो 30 मिनट बटा कितना 60, 60 से भागा दे दो तो ए मिनट किससे बदल जाएगा डिग्री में, तो 2 डिग्री + 30, 30 को ना यहाँ पे कट कर दो तो 1/2 ए आ गया ए बी, तब एलसीएम ले लो 2, तो 2 × 4 और प्लस में 1 तो कितना आ गया 5/2 क्या आ गया डिग्री में। अब ये 5/2 डिग्री है, अब इसका रेडियन में चेंज करनी है तो क्या से गुना कर दो पाई बटा 180 से, तो ए कर दिए पाई बटा 180 से, एक कट कर दो तो क्या हो जाएगा 36/5 180 से, तो इसको कट कर देंगे तो पाई बटा 36 × 72 ए आ जाएगा रेडियन। तो इस तरीके से अगर डिग्री मिनट में हो तो पहले क्या ना डिग्री में ये ठीक है, मिनट को क्या बदल लो डिग्री में, और डिग्री में बदलने के बाद हम लोग को क्या में आ जाएगा और डिग्री में उसके बाद। जैसे एक एग्जांपल और समझो आसानी से, हम लोग इसको क्या रफ कह ले और ए रफ कह लेते। जैसे देखो यहाँ पे 5 डिग्री दिया हुआ और यहाँ पे गिवन है 30 मिनट, तो 5 डिग्री 30 मिनट इसको कहा जा रहा है रेडियन में चेंज करो, तो ए डिग्री तो ठीक है प्लस इस मिनट को क्या में चेंज करना पड़ेगा डिग्री में, डिग्री में चेंज करने के लिए किससे भाग दे दो 60 से भाग दे दो और ए हो जाएगा 5 + ए कट गया तो 2 आ गया 1/2 ए मिल गया। अब इसको ज़रा जोड़ लो तो आ जाएगा 2, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10 + 1 और ए क्या आ गया डिग्री आ गया, तो इसको जोड़ो 11/2 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में बदलना है तो क्या से गुना पाई बटा 180 से, तो एक कटेगा नहीं तो 11 π/18 × 36 ए आ जाएगा क्या रेडियन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या ना, एक कह रहा है 3π/5 रेडियन का मान किसमें अंश डिग्री में से
याद कीजिए। तो ये डिग्री में चेंज करने के लिए कहा जाता है, डिग्री में चेंज करना है तो क्या ना, इसको 3π/5 है और ए रेडियन में, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3π/5 इंटू 1 रेडियन एस लिख सकते हैं, और ए 3π/5 को रहने दो 1 रेडियन का भी अभी हम लोग पहलू पढ़े कि है ना, डिग्री में अगर चेंज करनी है तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा क्या पाई है, तो 1 रेडियन बराबर रख दिया अगर डिग्री में चेंज करनी, तो पाई पाई कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 36, और इसको कट करेंगे 36 या 18 हो जाएगा 9 × 1 = 10, और ए क्या मिल जाएगा और 108 डिग्री मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते, जैसे यहाँ पे पाई वाई 4 रहा और इसको कह दिया बदलो डिग्री में, तो ये ना इसको डिग्री में बदलने के, इस रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए ना क्या कर दो, पाई वाई फोर, तो इसमें गुना कर दो 180 बटा में पाई, ए गुना कह लो, तो पाई पाई कैंसिल और ए कैंसिल हो जाएगा 45 से, कितना गया 45 डिग्री। इस तरीके से अगर हमें दे दे π/3 और इसका कह दे बताओ रेडियन जी डिग्री, हाँ ए रेडियन में है और डिग्री में बताओ, तो इसका डिग्री में बताने के लिए क्या ना π/3 को रहने देंगे और 180 बटा π से क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन, π/π कैंसिल और ए आ गया कितना 6 आ जाएगा और ए मिल जाएगा यहाँ पे 60, तो ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से तो रेडियन से हम लोग डिग्री में चेंज कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जैसे और हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, इसको रफ कह लेते। अब देखो अगर ए रह गया 11π/16 और रेडियन में रह गया, 11π/16 रेडियन है और इसको कहा जा रहा है डिग्री में चेंज करो, तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए पाई बटा 16 को रहने दिए, डिग्री में चेंज करना तो क्या से गुना करते हैं 180 बटा π से गुना करते हैं और ए गुना कह ले, ए 11 बटा 16 इंटू ए तो कट रहा है 8 और ए 90, तो ए आ गया और कट रहा है, नहीं कट रहा है, 8 × 2 = 16 और 90 ए कट रहा है 45 और ए 4 ए कट गया, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 45 बटा, यहाँ तो मिल जाएगा 4, पाई का वैल्यू रख दो 22 बटा कितना 7, तो 11 × 2 = 22 ए हो गया। अब ये 7 ऊपर आ जाएगा, 7 इंटू क्या मिल जाएगा 45 और 4 × 2 = 8 ए आ गया। अब इसको गुना कर दो 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 और बटा में 8 ए क्या में आ गया डिग्री में आ गया। तो यह रेडियन से क्या में चेंज कह लिए डिग्री में चेंज कह लिए। अब डिग्री में चेंज कह लिए तो डिग्री तो बटा में होता नहीं है, डिग्री किस में होता है मिनट और सेकेंड में होता है, तो ए डिग्री मिनट सेकेंड में होता है, जब बटा में आ जाए तो क्या करते हैं ना यहाँ पे ध्यान दो, तो इस तरीके का डिग्री रेडियन दिया और डिग्री में चेंज करना है तो हम लोग रेडियन में चेंज करने के लिए 180 बटा π से मल्टीप्लीकेशन कर दिए और ए आ गया क्या में डिग्री में, डिग्री में आने के बाद वो भी बटा में, जब बटा में आ जाए तो डिवाइड कर लेते हैं क्या ना 315 और किससे भाग लगा देंगे 8 से, तो क्या आ जाएगा 8 × 3 = 24, तो इसमें शेषफल आ जाएगा 7 और 5, 8 × 9 = 72, तो ये 72 से लगा दो तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। अब इसमें ए आ गया डिग्री, अब इसमें 60 से गुना कर दो तो 6 × 18, तो ए आ गया ना 1 डिग्री से, अब फिर से कितना से भाग लगाएंगे 8 से ही, तो ये कितना आ जाएगा 8 × 2 = 16, तो 16 शेषफल कितना 2 आ गया। अब इसमें 0, फिर से इसके कितना बार लगाएंगे 2 ही बार में 8 × 2 = 16, तो शेषफल आ गया कितना 4। अब शेषफल फिर से इसमें 60 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 4 = 24 आ जाएगा और किससे भाग लगाएंगे 8 ही से भाग लगाएंगे 8 × 3 = 24 ए आ गया, तो इसको कट कर दिए शेषफल 0 ए 0, तो इसको क्या ना हम लोग बदल दिए 39 डिग्री आया और 22 मिनट और फिर कितना आया 30 सेकेंड। इस तरीके से ए होगा ऑप्शन नंबर। तो जब आपका इस तरीके से रेडियन दे तो और डिग्री में चेंज करना तो इतना से गुना करके अगर बटा में आ जाए, क्या में बटा में आ जाए, तो हम लोग जो बटा में
में आता उससे भाग देकर इस तरीके से भाग देकर उसको क्या हम बदल देते हैं, डिग्री मिनट और सेकेंड में। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, डिग्री से क्या रेडियन से क्या में चेंज कर लेना, डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। अब थोड़ा ग्रेड में सिस्टम देखते हैं, इसको रफ कह ले। अब देखो यहाँ पे क्या ना 50 ग्रेड दे दिया हाँ, और ये 50 ग्रेड दे दिया और कह रहा है इसको क्या में चेंज कीजिए, रेडियन में चेंज कीजिए। 50 ग्रेड को रेडियन में चेंज कीजिए। तो 50 ग्रेड को रेडियन में चेंज करने के लिए इसको लिख सकते हैं 50 × 1 ग्रेड। और अभी अभी हम लोग समझे थे 200 ग्रेड बराबर कितना होता है, अब पाई रेडियन होता है। तो एक ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 200 रेडियन हो जाएगा, और एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटा पाई ग्रेड हो जाएगा हाँ। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ए 50 तो 1 ग्रेड बराबर कितना होता, पाई बटा 200। तो 0 0 कट गया और एक कट गया, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4। तो पाई बटा 4, 50 ग्रेड का कितना मिल जाएगा, पाई बटा 4 रेडियन। 50 ग्रेड बराबर कितना, पाई बटा 4 रेडियन। तो ए हो गया। अगर इसी को 50 ग्रेड है और इसको कहा जाता डिग्री में चेंज करो, 50 ग्रेड को किस में, डिग्री में। अभी अभी हम लोग सीखे 90 डिग्री बराबर कितना होता, 100 ग्रेड होता है। 9 डिग्री बराबर कितना, 90 बराबर 100 ग्रेड। और अभी इसको ये भी कह सकते थे 9 डिग्री बराबर कितना, 10 ग्रेड। तो 9 डिग्री तो 1 डिग्री बराबर कितना, 10 बटा 9 ग्रेड हो जाएगा, या 1 ग्रेड बराबर क्या यहाँ पे 9/10 डिग्री। तो यहाँ पे हमें ना ग्रेड से डिग्री में चेंज करनी है, तो 50 × क्या लिख सकते हैं, 1 ग्रेड और 50। अब डिग्री से हमें क्या में ग्रेड से डिग्री में चेंज करनी है, तो 1 ग्रेड बराबर कितना होता है, 9/10। एक कैंसिल हो गया और एक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 5 × 9। तो इसको कट कर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 45 डिग्री आ गया। तो 50 ग्रेड बराबर कितना, 45 डिग्री। तो हम लोग ग्रेड से रेडियन में चेंज कर सकते हैं और ग्रेड से डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, और डिग्री से क्या में ग्रेड में, रेडियन से भी ग्रेड में चेंज कर सकते हैं। तो यही था हम लोग का क्या ना एंगल्स में पढ़ना। एंगल्स में एक और पढ़ना हम लोग को पॉइंट जरा ये समझ लेते हैं। तो एंगल में क्या ना इतना पॉइंट अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते तो एंगल से आपका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हम लोग इसमें क्या ना कंप्लीट कर सकते पेपर में। जैसे एक एंगल में क्या ना यहाँ पे एक सर्कल ले लिए, और इस सर्कल में क्या ना यहाँ पे ए क्या है रेडियस है, और ए रेडियस ले लिया गया, और यहाँ पे एक आर्क ले लिया गया, एक चाप है जो चाप की लेंथ क्या है ना एल है, और एल है, और इसको इस तरीके से मिला दिया गया है, और यहाँ जो एंगल बन रहा उस एंगल को क्या मेजर किया गया, थीटा है। जब इस सर्कल में रेडियस गिवन हो, आर्क गिवन हो और थीटा गिवन हो, तब थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर रेडियन होता है। क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। मतलब अगर रेडियस और चाप गिवन हो तो हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं, अगर एंगल और रेडियस गिवन हो तो आर्क फाइंड कर सकते हैं, अगर आर्क और रेडियस थीटा गिवन हो तो क्या फाइंड कर सकते हैं, आर। तो इसमें से कोई यहाँ पे जैसे देखो इसमें क्या ना यहाँ पे आर्क गिवन है, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चाप गिवन है और यहाँ 3 सेंटीमीटर, और कह दिया यहाँ पे एंगल फाइंड करो। तो एंगल फाइंड करने के लिए तो आर इक्वल टू क्या ना 2 है, और एल इक्वल टू क्या 3। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला एल बाई आर। तो एल बाई आर रेडियन होता है ना, रेडियन होता है ए रेडियन। तो एल कितना है 3 है, आर कितना है 2, तो ए क्या मिल गया रेडियन। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 3/2 रेडियन। तो ए हो गया 3/2 रेडियन। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते जब सर्कल में आर्क और रेडियस गिवन हो और का दे डिग्री फाइंड करने के लिए, तो हम लोग ए फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते क्या थीटा इक्वल टू एल बाई आर एन। ए या 3 में कोई भी लेंथ गिवन हो या रेडियस हो या आर, 3 में से कोई
कोई दो गिवन होगा और एक फाइंड करने के लिए कहेगा, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या होना, एंगल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग को अगले टॉपिक में देखेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक में। तो ये हम लोग पढ़ ले इतना टॉपिक है। तो एंगल में आपका टॉपिक क्या होगा ना, पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे, जैसे देखो एक आपका फिर से यहाँ पे एक सर्कल ले लिए और इस सर्कल में रेडियस गिवन हो और एक लेंथ गिवन है, आर्क गिवन है, आर्क का लेंथ क्या ना एल गिवन है, और यहाँ से एक एक ना यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो क्या ना थीटा गिवन है। तो ये रेडियस आर्क और थीटा गिवन है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर रेडियन। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। अगर हमें थीटा ए आर और एल मतलब तीन में से दो गिवन होगा और एक कह देगा फाइंड गिवन करने के लिए, या रेडियस और आर्क गिवन होगा कहेगा क्या थीटा फाइंड कीजिए, या आर्क और थीटा गिवन होगा रेडियस फाइंड करने के लिए कहेगा। जैसे एक एग्जांपल में देखो, और यहाँ पे क्या ना एक एक आर्क गिवन है थ्री, और यहाँ पे आर्क ले लिए क्या ना इसमें सिक्स, आर्क ले लिया गया सिक्स और यहाँ से एक थीटा कह दिया। अब इसका एंगल फाइंड करो, तो इसमें क्या ना एंगल फाइंड करना, थीटा फाइंड करनी है, रेडियस गिवन है थ्री और आर्क गिवन है एल गिवन है सिक्स। अब इसका थीटा फाइंड करना, तो थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगा दो, एल बाई आर थीटा। एल का वैल्यू कितना सिक्स, आर का वैल्यू कितना थ्री, कट गया टू, तो क्या गया टू रेडियन आया, क्या आया टू रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू कितना एंगल बनाएगा, टू रेडियन बनाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते अगर आपका सर्कल में रेडियस और चाप गिवन है तो हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल टॉपिक आपका क्या हो गया ना, कंप्लीट हुआ। ट्रायगोनोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर ले। सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक में मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है हम लोग को, आसानी से इसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करनी है तो फिर से हम लोग को समझनी होगी मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। तो देखते टॉपिक सेकंड। तो देखो मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाओं का माप। तो त्रिभुज के भुजाओं का माप, ऐसे एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, तो ये क्या ना यहाँ पे ए थीटा ले ले, तो ये किसका काम करेगा, पी का परपेंडिकुलर मतलब लंब का, और ये बेस का बी बेस, और ए एच हाइपोटेना जिसको बोलते हैं कर्ण। तो ये लंब आधार और कर्ण ए ले ले, इसमें ए ना लंब आधार कर्ण से ये तीन भुजा से ट्रायगोनोमेट्रिक के हम लोग सभी जानते हैं 6 रेशियो फाइंड होता है। पहला क्या ना साइन, साइन का फुल नेम क्या ना इसको बोलते हैं साइन, साइन जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है जया, क्या बोला जया, ये हम लोग को याद रखनी पड़ेगी, ये मालूम है सभी को। तो इसमें क्या होता है ना टेंजेंट में ये 6 रेशियो होता है, क्या क्या ना ये हम लोग सभी जानते हैं साइन, साइन का पूरा नाम क्या होता है ना साइन। अगर हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक में लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम देता है तो हम लोग को ना ए साइन ना लिखकर ए साइन लिखेगा, और हिंदी में है तो जिया बोलेगा, और कॉस को कोसाइन जिसका हिंदी में को जिया, टैन को टेंजेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श जिया, कॉट को कोटेंजेंट जिसको बोलते हैं स्पर्श जिया, सेक को सेकंड जिसको प्रतिच्छेदी जिया, और कोसेक को कोसेकंड जिसको स प्रतिच्छेदी जिया कहते हैं। तो ये तो हम लोग ये क्या ना ट्रायगोनोमेट्रिक का फुल नेम होगा, ये समझ लिए, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ भी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये क्या ना थीटा ले ले, ए पी एच और ए बी, ए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सभी जानते हैं हाइपोटेनस बराबर क्या होता है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। चलो देखो ये हम लोग को ना साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी वाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी वाई बी, कॉसेक थीटा एच वाई पी, सेक थीटा एच वाई बी, कॉट थीटा क्या होता है ना बी वाई पी, ये तो सभी को याद है। अब हम लोग ये पहला टाइप का हो गया फॉर्मूला इसमें। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप का फॉर्मूला, ये तो हम लोग को मेजरमेंट ऑफ साइड में इतना हम लोग को कन्फर्म है, फिर से हम लोग रिकॉल कर रहे हैं इसको। अब देखेंगे सेकेंड फॉर्मूला में हम लोग, तो हम लोग देखेंगे क्या ना सेकेंड फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है वन साइन थीटा बराबर वन बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या ना वन बाई सेक थीटा। और ये थर्ड फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन, हम लोग 10th क्लास में ही समझ चुके हैं।
और cos थीटा और 1 बाय sec थीटा, और sec थीटा और क्या होता है 1 बाय cos थीटा। फिर फॉर्मूला नंबर 4 में हम लोग जानते हैं tan थीटा cot थीटा इनटू क्या होता है 1 tan थीटा और 1 बाय cot थीटा और 1 बाय tan थीटा। ये याद रखना पड़ेगा sin का उल्टा क्या होता है 1 बाय cosec, cosec का उल्टा क्या होता है 1 बाय sin, और cos का उल्टा क्या होता है ना sec, sec का उल्टा क्या होता है ना 1 बाय cosec। ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा दो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1। ये याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा दो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को मल्टीप्लीकेशन करते तो उसका रिजल्ट 1 होता है। cos और sec को और tan और cot को और sin और cosec के, तो ये दो मल्टीप्लीकेशन करते तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1। तीन कंडीशन में रिजल्ट आता है क्या 1। और फॉर्मूला नंबर 5 में हम लोग सभी जानते ही हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा वटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा वटा में sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला नंबर समझते हैं क्या ना S7। ध्यान देंगे फॉर्मूला नंबर 7। तो फॉर्मूला नंबर 7 में हम लोग को याद रखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये याद रखनी पड़ेगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। तो sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा और क्या 1। तो cosec स्क्वायर थीटा और हो जाएगा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना हम लोग को फॉर्मूला क्या ना ये याद रखनी पड़ेगी, और ये फॉर्मूला आज इसके बाद हम लोग समझते हैं इसका क्या ना कुछ ऑब्जेक्टिव देखते क्वेश्चन। अब इतना मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल समझ गए। अब ये टॉपिक आपका मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल में इतना ही फॉर्मूला मिलता है फॉर्मूला नंबर क्या 9 तक। अब इस पे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ए दिया और इसका कहा जा रहा है इतना बराबर, इसमें बताओ ऑप्शन कौन होगा। तो हम लोग बता सकते हैं इसका 1 बाय ऑप्शन कौन होगा, जरा कोई बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाए, बी हो जाएगा नहीं वो कैसे देखो। तो 1 बाय cos, cos का उल्टा अभी समझाया गया, sec का उल्टा क्या होता है ना cos होता है, तो cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cosec का उल्टा क्या होता है ना sin होता है, ये लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या रिजल्ट होता है 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या ना 1 माइनस टेन थीटा की होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन थीटा की होल स्क्वायर दे दिया, और कह दे इसमें से बताओ ऑप्शन कौन होगा। तो ऑप्शन बताना आसान है, क्या करो ना कि a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस में क्या होता है ना b स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, मतलब 2 टेन थीटा हो जाएगा प्लस, यहाँ भी क्या फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो आ जाएगा tan थीटा। तो ये दोनों का फॉर्मूला तोड़ दे, a माइनस बी की होल स्क्वायर और a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये देखे तो a प्लस और माइनस कट गया, तो क्या बच गया ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, अभी के हम लोग समझे, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या अभी तो सूत्र सीखे, तो क्या sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते बहुत ही सिंपल वे में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगला, क्या करना ए दिया और करा इसमें से बताओ ऑप्शन क्या होगा, ए क्वेश्चन है और करा इसमें ऑप्शन बताओ ए बी सी आर डी क्या ऑप्शन होगा, जरा कोई बताएंगे। तो इसका ऑप्शन हम लोग बता सकते बहुत सिंपल है क्या ना, इस दोनों को पहले एलसीएम ले लो, तो कॉस ए प्लस में कॉस बी इंटू में क्या हो जाएगा साइन ए इंटू माइनस में, और माइनस में क्या हो जाएगा साइन बी, और ए दोनों का एलसीएम ले लिया और ए वाला इधर गुना हो जाएगा, देख रहे हैं ए प्लस बी बन जाएगा और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी प्लस, ए दोनों जब गुना हो जाएगा तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी, और ये हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा वैल्यू 1, माइनस में साइन स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो रिजल्ट क्या होता है माइनस में 1, तो ए बटा में टर्म वैसी
रह जाएगा कॉस ए और प्लस में कॉस बी, और यहाँ पे भी रह जाएगा साइन ए ई माइनस में साइन बी, ये वैसे रह जाएगा वन माइनस वन क्या जीरो, जीरो वाई समथिंग, जीरो वाई समथिंग क्या जाएगा जीरो आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, जो हम लोग आसानी से कह लें। जैसे नहीं समझे, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट माइनस वन होता है, वो कैसे, इससे माइनस कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो ए क्या ना माइनस रह गया, इसका वैल्यू क्या वन, तो वही आया। तो यहाँ पे देख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए समझ लिए तो ए क्या ना वन, माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो इसका रिजल्ट भी वन, तो हो गया। तो एक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो अगला, ए दिया और कर रहा है इसके इतना बराबर वाट, क्या कर रहा है ना यहाँ पे, तो ए टेन थीटा इजकल टू क्या ना लिख सकते हैं फोर बाई फाइव, ए हो गया। टेन थीटा का रिजल्ट गिवन है और कर रहा है इसका वैल्यू बताओ, तो इसका वैल्यू बताना सिंपल है। तो टेन थीटा इसका वैल्यू बताने के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए, साइन का और कॉस का, साइन का और कॉस का। तो इस साइन कॉस में चेंज करने के लिए हम लोग को यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये लिख लो फोर बाई क्या ना फाइव पी बाई एच। अब बी निकालेंगे तो बी निकालेंगे तो यहाँ पे 16 और ये आ जाएगा 25, 16 और 25 इसको ऐड कर लो यहाँ पे। देखो इसको ना और आसानी से इसको कर सकते, ए टेन थीटा का वैल्यू ए दे दिया और यहाँ पे ए क्या ना ए गिवन है, इसका वैल्यू फाइंड करना, इसी को टेन में चेंज कर दो। तो टेन में इसको चेंज करने के लिए फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा और बटा में फाइव साइन थीटा प्लस में टू कॉस थीटा, ए टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था। अगर यहाँ पे कॉस को डिवाइड कर ले, इसमें भी कॉस डिवाइड कर ले, सभी में क्या ना कॉस से भाग दे दो, तो कॉस से भाग दे देते, यहाँ पे क्या ना सब बदल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, फाइव फाइव साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस कॉस कॉस कैंसिल हो गया थ्री, और यहाँ पर भी फाइव साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं टेन थीटा और प्लस में टू टू कॉस कॉस कैंसिल ए आ गया। अब इसका ना टेन थीटा का वैल्यू रख दो फाइव, टेन थीटा का वैल्यू कितना चार बटा पाँच, चार बटा पाँच माइनस में थ्री और फाइव, टेन थीटा का वैल्यू रख दो चार बटा में पाँच और प्लस में दो, पाँच पाँच कट गया और इसको लिख दो यहाँ पे चार माइनस थ्री चार प्लस में दो, तो ये रिजल्ट क्या आ गया ना वन बटा सिक्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सिक्स। तो ये देखो जैसे दिया हुआ साइन थीटा प्लस बटा में वन प्लस कॉस थीटा दे, अब इसमें इसका दिया कौन ऑप्शन होगा बताओ, ए बी सी या डी। तो इसको बताने के लिए क्या करो ना हम लोग यहाँ पे इसका ना रेशनलाइज कह लो, तो आसानी से बता सकते वन प्लस में कॉस थीटा, तो वन माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और वन और माइनस में कॉस थीटा, ये रेशनलाइज कर दे। अब इसको ना अंदर क्या कर दो और मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ए साइन थीटा और माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा ए आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अभी के थ्योरम में पढ़ें। और देखो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो साइन थीटा बटा में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, अब बटा में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन एक साइन एक साइन एक साइन कैंसिल हो गया, तो ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा साइन का उल्टा, अभी के थ्योरम में सीखे कॉस एक और माइनस एक कॉस एक साइन क्या बना देगा कॉट कॉट थीटा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी। अगर एक क्वेश्चन हम लोग बना सकते अगर रह गया वन माइनस में साइन थीटा बटा में वन प्लस कॉस एस, ए भी क्या ना वन अब माइनस प्लस में साइन थीटा है, क्या इसको हम लोग बना सकते ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो इस तरह का हम लोग को बनाना हो तो इसमें भी क्या कर लेंगे परमेकरण कह लेंगे और बना लेंगे, ऑप्शन जो होगा
वो कह लेंगे। अगर इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दे दे तो आप लोग खुद से कंप्लीट कर लो, वन माइनस कॉस ए बटा में वन प्लस कॉस ए, क्या बना सकते इस तरह का क्वेश्चन? तो इसमें हम लोग जो ऑप्शन आएगा और वो हम लोग को जो उसको जो आंसर आएगा वो हम लोग को कमेंट में लिखेंगे। तो आज की क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। तो इसमें आज हम लोग त्रिकोणमिति में दो टॉपिक कंप्लीट कर ले, एक हम लोग एंगल, दूसरा मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। तीसरा अगले क्लास में हम लोग से ट्रायगोनोमेट्रिक में कंप्लीट करेंगे, एंगल इन ट्रायगोनोमेट्रिक, रेशियो इन क्वाड्रेंट, चरण में चतुर्थांश में आपका क्या ना कोण। उसके बाद हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अभी त्रिकोणमिति में पांच छह टॉपिक है, वो सारे टॉपिक हम लोग एक आगे कवर कर लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, आज मिलते इतना ही, फिर मिलते अगले क्लास में।